सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज भी कुरान पाक समझ जाओ तो तुम्हारी आंखें बहने लग जाएं। यहाँ तो तरावी की 4 रकात जिसे भारी लगती हो वो कुरान क्या समझेगा। हाँ, लोगों को ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस वाली जहाँ तरावी होती वहाँ पढ़ना चाहिए, 15 मिनट में पूरा हो जाए। कुछ भी पढ़ता रहे हो, अरबी पढ़े कि चाइनीज पढ़े कि जर्मनी पढ़े, हाँ बस ये है कि तड़ 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 जल्दी से निकालते। मुसलमानों, क्या ये बोझ है तरावी जिसको तुम अपने कंधों से हटाकर भागना चाहते हो? मिजाज तो ये बनाओ कि कुरान हमें वैसा सुनाया जाए जैसे रसूल पाक के ज़माने में सुनाया जाता। कुरान सुने तो हमें रसूल पाक का मदीना याद आ जाए। कुरान के नगमात आज भी, इसकी किरातें लोगों को रुला देती हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। कई अंग्रेज़ मिस्र में मैंने देखा है, कई अंग्रेज़ जिनको कुरान सुनाया गया और उन्हें मालूम था तो वो रो पड़े। एक फ्रांस का बहुत बड़ा डॉक्टर था अस्कंदरिया में, एक हमारे बड़े शेख हैं, वो कुरान की तिलावत करते थे तो वो अपनी डॉक्टरीट पे बड़ा फख्र करता था। सिर्फ वो हजरत की कुरान की तिलावत सुनने के लिए वो बाहर खड़ा रहता। कई दिन के बाद वो सारी चीज़ें छोड़ कर के अंदर आया और कहा, इसकी जो मिठास है और इसकी जो लज्जत है मुझे दुनिया में कहीं ना मिली, मुझे इसी दामन में दाखिल कर लिया जाए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक को सुन करके अपनी ज़िंदगियां बदल ली। तुम्हें क्या हो गया? कुरान को इतना ऊपर रख दिया कि हाथ भी ना जाए। तुम्हारे फ्रिज और टीवियां तो साफ़ होती हैं, कुरान पर तो पता नहीं कितनी गर्दो गबार लगी हुई है। हाँ, अभी रमज़ान में उसको साफ़ कर दिया होगा, उठाया होगा। कुरान तुम कब उठाते हो? कसम खाने के लिए। झगड़ा हो जाए, देखो मैं कुरान की कसम खा रहा हूँ। या फिर कब कुरान उठाते हो? जब किसी की मैयत हो जाए, जल्दी लाओ कुरान। अरे ये जिंदों के लिए उतरा है कुरान, मुर्दों के लिए नहीं। कुरान जिंदों के लिए है ना। हाँ, मुर्दों को ईसाले सवाब तो ज़रूर कराएंगे हम, फ़ायदा तो पहुँचेगा तिलावत का, लेकिन ये ईसाले सवाब के लिए ही नहीं। कुरान कहता है हुदल लिल मोमिनीन, मोमिनों की हिदायत के लिए आया है। हिदायत छोड़ करके तुम दुकान की ओपनिंग के लिए, घर की ठंडी कराना है, ओपनिंग कराना है, और फिर माँ बाप की मैयत हो गई है, और फिर क्या है, झगड़े में कसम खाना है, यही सारी चीज़ें कुरान उठाने की है। कुरान अजीम अल्लाह ताला का वो अजीम तोहफा है कि पूरी ज़िंदगी भर इस पर रश्क करोगे तो भी कम है। आज पूरी दुनिया में किसी कौम के पास ये किताब नहीं है जितनी मुहकम किताब तुम्हारे पास है। सीना तान करके कह सकते हैं ऐसी किताब किसी के पास नहीं है। इतना बड़ा ज़खीरा तुम्हारे पास है और तुम इसको पीछे डाले हुए हो। बचपन में हमारे बच्चों को जब मदरसा भेजते हैं हम, तो कुरान सीने से लगा कर भेजते हैं ना। बच्चा सीने से लगा करके आता है कुरान, लेकिन चंद ही दिनों के बाद जब हम बड़े होने के बाद देखते हैं, स्कूल जाने के वक्त बच्चा तो सारा बस्ता पीठ पर रखा रहता है। होता यही है ना, बस्ते में सारी बुक्स किताबें पीठ पर रखा रहता है, लेकिन मदरसा जब आता है तो कुरान सीने से लगा कर आता है। शायद बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने रिवाज रखा होगा कि बेटा कुरान हमेशा सामने होना चाहिए, कुरान हमेशा मुकद्दम रहे, बाद में सब। लेकिन बड़े होने के बाद ये सामने वाली चीज़ पीछे डाल देता है, पीछे वाली चीज़ को ही अहमियत देने लगता है। एक बात याद रखो, मैं न कॉलेज का मुखालिफ हूँ, ना स्कूल का मुखालिफ हूँ, ना यूनिवर्सिटी का मुखालिफ हूँ। हाँ, कोई भी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, कहीं का स्टूडेंट हो, मेरे साथ बैठे, मैं उसके साथ इंशाल्लाह डिस्कस ज़रूर करूँगा हर टॉपिक पर, लेकिन ये बरकत है सिर्फ कुरान की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान पढ़ा है तो कुरान की बरकत से अल्लाह ने हमें साइंस की भी समझ अता की है। हमें मैथ्स भी आता है, हमें ज्योमेट्री भी आती है, हमें फिजिक्स भी आता है थोड़ा बहुत। मैं ये फ़ख्र के लिए नहीं कह रहा, ना ही ये गुरूर के लिए कह रहा हूँ, बल्कि जो कुछ भी अल्लाह ने हमें शुद्ध बुद्धि है वो कुरान की बरकत से अता किया। और आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं, ऐसी ऐसी किताबें उन्होंने लिख रखी हैं कि आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हल नहीं कर पा रहे हैं, उनके मैथ्स के बड़े बड़े टफ फंडे नहीं हल कर पा रहे हैं। किबला पहचानने के उलूम आज भी किताब लिखी हुई है, ज्योमेट्री पर लिखी हुई है, इल्म रमल पर, इल्म जफर पर,
और जीजात पर ऐसे ऐसे इल्म है जिसके नाम भी तुमने नहीं सुने होंगे। और आला हजरत ये कहाँ जाकर पढ़े थे, कौन से मदरसे में? ये फन, ये उलूम आज पूरे हिंदुस्तान के मदरसों में नहीं पढ़ाए जाते। आला हजरत कहाँ से पढ़े? खुद फरमाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस रसूल की बरकत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में जो हो गया हर इल्म खैरात में मिला। मैं ये कहता हूँ कि नौजवानों ज़रूर जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटियों में जाओ, टॉप करो, पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप करो, लेकिन अकीदा और यकीन ये होना चाहिए कि तुम दुनिया में अगर उरूज पर पहुँचोगे तो शुरुआत तुम्हारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से होनी चाहिए। यहाँ से हो तो फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की भी देगा और बरकत भी अता करेगा। अल्लाह करीम हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।